ओके हाय एवरीवन, हियर इज रश्मि। आप लोगों का डाटाबेस स्ट्रक्चर के इस लेक्चर में की के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, प्यार से देखते रहिए। बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने इसमें सेलेक्ट किया है, और ये कॉन्सेप्ट है आपका नंबर ऑफ सुपर की फाइंड करने का। ठीक है, इस तरह का जो सवाल है ये अक्सर आपको हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम यूनिवर्सिटी हो या गेट हो। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी ये बहुत मददगार होता है, तो इसीलिए इस टॉपिक को मैंने सोचा कि कवर कर लेना जरूरी है। ठीक है, तो अब इसको मैं शुरू कर रही हूँ। तो पहले तो आपको याद दिला दूं कि सुपर की आपने क्या समझा था। तो आप कहोगे मैम ये कैंडिडेट की का ही सुपर सेट होता है, दैट इज कॉल्ड सुपर की। यस, यू रिमेम्बर इट। तो कैंडिडेट की का सुपर सेट को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर की। ठीक है ना, अब कैंडिडेट की क्या होता है, तो आप कहोगे मैम कैंडिडेट की मिनिमल की होता है, जो यूनिकली एंटिटी को आपके टेबल में यानी कि रिलेशन में रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात है, ये सब आपका बेसिक है जो आपको याद आ रहा है। तो उसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि ये जो कैंडिडेट की है ना, सुपर की आपका। ठीक है, तो आज हम लोग यही फाइंड करेंगे कि आपका जो कैंडिडेट की है इसमें सुपर की कितना, एक कैंडिडेट की से कितना सुपर की आपका मैक्स टू मैक्स बन सकता है। तो इसी के ऊपर तरह तरह का एग्जांपल लेकर के मैं पूरे सिनेरियो को कवर करूंगी। ठीक है, तो जरा फटाफट इसको हम लोग समझते जाते हैं। कहता है लेट रिलेशन आर हैव एट्रीब्यूट्स A1 A2। कोई रिलेशन आपका आर है जिसमें दो एट्रीब्यूट्स A1 A2 है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, बात जो सेम है सो है। अब कहता है एंड A1 इज द कैंडिडेट की। अच्छा देखिए, ये जो आपका रिलेशन है इसमें A1 आपका क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक है, तो A1 आपका कैंडिडेट की है, और तो पूछता है कि अब बताओ सुपर की कितने होंगे। तो आप कहोगे मैम इसमें तो क्या ही खास बात है, सुपर की तो अगर A1 A2 आपके रिलेशन का टेबल है, ठीक है ना, और A1 A2 एट्रीब्यूट है और A1 उसमें कैंडिडेट की है, तो एक तो A1 हर कैंडिडेट की सुपर की होता है, तो A1 भी सुपर की होगा, है कि नहीं, और क्या सुपर की होगा। तो और आप कहोगे कि मैम उसमें सारे कैंडिडेट सारे रिमेनिंग एट्रीब्यूट को जोड़ते जाइए और जो भी सेट तैयार होगा सब कैंडिडेट की होगा। तो बिल्कुल वही है, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाना है हम लोग को यहाँ। तो A1 आपका एक कैंडिडेट की हो गया, सॉरी सुपर की हो गया, और A1 के साथ A2 को आपने मिला दिया तो भी ये क्या है, तो भी ये सुपर की। आप कहोगे क्यों, क्योंकि भाई देखिए कैंडिडेट की या सुपर की क्या होता है, जो यूनिकली टपल को आइडेंटिफाई करे। तो A1 अकेले यूनिक हो रहा था, तो A2 जोड़ने से थोड़ा ना यूनिक नहीं रहेगा, रहना ही रहना है। तो सुपर की मिनिमम नहीं होता, लेकिन कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमम। ठीक है ना, तो इसमें मैक्स टू मैक्स कितना सुपर की बन गया, दो बन गया। तो अब आप इसके इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो, कहता 10-20 दैट 2 सुपर की आर पॉसिबल इन दिस केस, है ना। तो इस केस में आपका कितना सुपर की पॉसिबल हुआ, 2। तो इसको अगर जनरलाइज करोगे तो कैसे करोगे, तो आप कहोगे मैम अगर हमारे पास n एट्रीब्यूट्स है, ठीक है ना, इफ यू हैव n एट्रीब्यूट्स विद 1 कैंडिडेट की, इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट की आपका कितना है, 1 है, और जो टोटल एट्रीब्यूट है वो कितने हैं, n है, तो पॉसिबल सुपर की आपके कितने हो गए, 2^n-1। देखिए भाई ये स्मॉल में लिखा हुआ है तो इसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यही है, ये n ही है। ठीक है ना, इसको भी मैं स्मॉल में ही कर देती हूँ। ठीक है ना, तो अगर ये n एट्रीब्यूट है आपका, तो ये तो अगर टेबल में रिलेशन में टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं, 2, तो सुपर की कितने पॉसिबल होंगे, तो 2^2-1, यानी कि 2-1 क्या हो गया, 1। ठीक है ना मैम, ब्यूटी का नहीं कनेक्शन, जब रिक्वेस्ट आएगा तो मैं कनेक्ट कर लूंगी, रिक्वेस्ट आ ही नहीं रहा। ठीक है, आएगा तो मैं कनेक्ट कर लूंगी। तो इसमें मैं क्या बोल रही थी कि ये अगर n एट्रीब्यूट है विथ 1 कैंडिडेट की, ध्यान रखिए बात को समझिए, अगर n एट्रीब्यूट है और उसमें एक ही कैंडिडेट की है आपका, ठीक है, n एट्रीब्यूट का मतलब सपोज 3 एट्रीब्यूट आपका दिया हुआ है रिलेशन में और एक आपका उसमें कैंडिडेट की है, तो टोटल सुपर की कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे मैम 3-1 कर दीजिए, तो 2^3-1 कितने हो गए, 2 हो गए, तो 4 सुपर की टोटल बनेंगे। और आपका जो एग्जांपल है उसमें n कितने हैं, दो ही एट्रीब्यूट दिया गया ना, आप देख लीजिए भाई दो ही एट्रीब्यूट आपको दिया गया है, ये रहा A1 A2, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2, कैंडिडेट की कितना है, 1, तो
तो आपका सुपर की कितना हो जाएगा, 2 टू दी पावर n माइनस 1, n माइनस 1 कर लिया यानी 2 माइनस 1 तो कितने हो गए 1, तो देखिए टोटल सुपर की आपका 2 ही बना ना, कैसे बना सो सेट थ्योरी से भी आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 1 आपको समझ में आ गया। फिर से मैं बोलती हूँ एग्जांपल नंबर 1 सिंपल है लेकिन ये सबका बेसिक है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1 में आपका क्या हो गया, मैं फिर से क्या बोल रही हूँ कि आप ये समझिए कि जो अगर आपके रिलेशन में n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है और सिर्फ 1 एट्रीब्यूट आपका क्या है कैंडिडेट की है, तो टोटल सुपर की कितने हो जाएंगे, 2 टू दी पावर n माइनस 1 हो जाएंगे। अब बात आपको समझ में आ गई, तो अब आपको समझ में आ गई तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब दूसरा एग्जांपल में मैंने क्या लिया है कि लेट ए रिलेशन हैव एट्रीब्यूट्स a1 a2 an, ठीक है, a टोटल n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, तो कहता फाइंड द सुपर की ऑफ r इफ ईच एट्रीब्यूट इज ए कैंडिडेट की। दोनों सवाल में अंतर समझिए, इस एग्जांपल में आपको हर एक एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो जस्ट इसके पहले एग्जांपल लिया था हमने उसमें क्या था कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट में एक ही एट्रीब्यूट कैंडिडेट की था, तो इसमें और इसमें फर्क समझ गया ना। तो जब एक ही एट्रीब्यूट कैंडिडेट की रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1। लेकिन अगर आपका हर एक एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की बना दिया गया हो, ऐसा सिचुएशन हो, तो सुपर की कितना हो जाएगा, तब जो सुपर की होगा वो देख लीजिए 2 टू द पावर n माइनस 1 होगा। मतलब क्या है, दोनों में अंतर समझिए। यहाँ पर आपका मान लीजिए 2 एट्रीब्यूट है तो 2 के पावर 2 4 हो गया, माइनस 1 3 आपका क्या हो जाएगा, सुपर की हो जाएगा। अब इसमें आप कहोगे मैम अभी तो उसमें तो 2 ही हुआ था, इसमें 3 कैसे हो गया, तो देखिए उसमें अकेले a2 को आप नहीं कवर किए थे, क्यों, क्योंकि वहां a1 आपका कैंडिडेट की था, तो a1 के साथ किसको ऐड कर दिया था, a2 को, ठीक है। और यहाँ पर जो ये बेचारा a2 है इसको भी आपको ऐड करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये भी तो कैंडिडेट की है। इस केस में देखिए एग्जांपल नंबर 1 में आप लोगों ने ऐड नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, a2 अकेले नहीं था क्योंकि a2 कैंडिडेट की नहीं था, तो सुपर की वही ना होगा जिसमें कैंडिडेट की में आपको एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, समझ रहे ना, तब वो सुपर की बनता है। तो यहाँ पर a2 चूंकि एट्रीब्यूट कैंडिडेट की नहीं था इसीलिए वो अकेला नहीं था, ठीक ना। तो ये फॉर्मूला में अंतर देखिए, ये 2 के पावर n माइनस 1 है, दोनों पावर में है, और यहाँ 2 के पावर ओनली n है, फिर माइनस 1 किया गया है, देयर इज डिफरेंस, ओके। तो अब आप आगे बढ़िए, ये बात तब होगा जब सारे एट्रीब्यूट आपके क्या हो जाएंगे, कैंडिडेट की हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आइए, ये कहता है कि सपोज, अच्छा देखिए नोट जरूर बना लीजिएगा कॉपी पर, ये बात बिल्कुल भूलना नहीं है, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ आपको समझ में आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि यस आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद कॉपी पर नोट बनाइए, नोट बनाने के बाद टाइम टू टाइम पढ़िए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, तभी फिर मजेदार बात रहेगा, नहीं तो सब ऊपर से बाहर। फिर कहता है एग्जाम्पल 3 में देखिए, लेट ए रिलेशन आर हैव एट्रीब्यूट्स a1 a2 a3 an, मतलब 3 एट्रीब्यूट से आपका, रहने दीजिए, एंड कैंडिडेट की इज a1 a2 देन पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की बताइए। देखिए भाई यहाँ पर अंतर समझिए सवाल में, यहाँ पर भी कैंडिडेट की एक है लेकिन इस कैंडिडेट की में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट कितने हैं, 2। तो याद कीजिए जब एक कैंडिडेट की था और उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट एक थे तो आपका पावर कितना था, 2 टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पर अगर 2 है, 2 क्या है, कैंडिडेट की एक है लेकिन उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 2 है, तो आपका जो सुपर की हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर n माइनस 2। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट की एक ही है, एक कैंडिडेट की में अगर एट्रीब्यूट की संख्या 2 होगी तो टोटल सुपर की जो होगा वो 2 टू द पावर n माइनस 2 होगा। उसी प्रकार से अगर आपका कैंडिडेट की में इसमें 3 एट्रीब्यूट होते और एक ही कैंडिडेट की है, एट्रीब्यूट 3 है, आपको मैंने बताया था की जो होता है सिंपल भी होता है कंपोजिट भी होता है। सिंपल का की किसको कहते हैं आप, जिसमें एक सिंगल एट्रीब्यूट हो, कंपोजिट की क्या होता है, जिसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट हो, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट, है ना। ये जो कैंडिडेट की है ये कई एट्रीब्यूट से मिलके बना है, नो प्रॉब्लम। तो अगर कैंडिडेट की आपका एक है उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 2 है तो आपका जो क्या होगा नंबर ऑफ सुपर की होगा वो कैसे निकालिएगा, तो वो बिल्कुल ऊपर वाले फॉर्मूला के आधार पर 2 टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा। और अगर कैंडिडेट की में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट 3 होंगे
तो 2^n-3 सुपर की हो जाएगा। सुपर की के संख्या को निकाल रहे हैं आप लोग कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सुपर की इज कैलकुलेटिंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात हो गया। तो अभी तक जो भी एग्जांपल आपने देखा उन सब में नंबर ऑफ कैंडिडेट की कितने थे, सिर्फ एक थे। अब जो एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें देखिए, इसको मैं पढ़ रही हूँ, कह रहा है लेट ए रिलेशन आर हैव एट्रीब्यूट्स a1 a2 a3 an एंड द कैंडिडेट की आर a1 एंड a2 देन पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की बताइए। देखिए भाई अब की बार क्या हुआ है, यहाँ नंबर ऑफ जो कैंडिडेट की है वो एक से ज्यादा है। पिछली बार का जो एग्जांपल था उसमें क्या था, कैंडिडेट की सब में एक ही था। हाँ एक कैंडिडेट की में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट अलग थे वो अलग बात है। हाँ और दूसरा एग्जांपल क्या था कि सारे अगर एट्रीब्यूट आपके कैंडिडेट की हो गए इंडिविजुअल तब क्या होगा। तो ये दो सिनेरियो आप तीन देख चुके हैं। चौथा में क्या देख रहे हैं कि इसमें दो अलग अलग कैंडिडेट की है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखिए एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट अगर आपके रिलेशन में है तो इसमें कैंडिडेट की क्या है A1 और A2। तब पूछा जा रहा है कि अब आप बताओ कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल सुपर की बनेंगे। तो इसको कैसे निकालोगे, देखो इसको निकालने के लिए प्यार से समझो इस सवाल को, ये सेट थ्योरी समझते हैं। देखो अगर ये ए एट्रीब्यूट है और ये बी एट्रीब्यूट है तो कुल ये वाला जो एरिया है आपका वो क्या होता है ए इंटरसेक्शन A2 है ना। A1 इंटरसेक्शन A2 मतलब इस एरिया में दोनों जो है एट्रीब्यूट आपका क्या है कॉमन है। तो आपको क्या निकालना है A1 यूनियन A2 मतलब क्या है A1 यूनियन A2 में जो आपका नंबर ऑफ की होंगे वो कितने होंगे। तो A1 का प्लस, देखो समझो इस बात को, A1 प्लस A2 इस सेट थ्योरी में क्या कहोगे। तो आप कहोगे मैम ये वाला A1 होगा प्लस ये वाला A2 होगा और इसमें जो ये कॉमन वाला एरिया है एक बार निकाल देंगे, क्योंकि ये कॉमन एरिया माइनस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दिस कॉमन एरिया बिलोंग्स टू A1 ऑल्सो, दिस कॉमन एरिया बिलोंग्स टू A2 ऑल्सो। तो आप क्या करेंगे कि इस कॉमन एरिया को एक बार माइनस करना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पर वही हुआ है कि नंबर ऑफ सुपर की जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अगर A1 A2 अलग अलग आपका कैंडिडेट की है तो उस परिस्थिति में नंबर ऑफ सुपर की कैसे निकालोगे। तो आप कैसे लिखे हो, देखो A1 प्लस A2, A1 यूनियन A2 दोनों को मिला के ना आपको सुपर की बनाना है। तो दोनों को मिला के जब आप बनाओगे तो क्या लिखोगे, A1 का नंबर A1 के कारण कितने सुपर की बनेंगे प्लस A2 के कारण कितने बनेंगे और माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस आपको करना पड़ेगा दोनों का इंटरसेक्शन, है कि नहीं। माइनस आपको क्या करना पड़ेगा, जो दोनों एट्रीब्यूट को मिला करके जो सुपर की बनेगा उसको एक को माइनस करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये जो दोनों कॉमन है ना वो A1 में भी है, A1 में भी जुड़ा है और A2 में भी जुड़ा है, तो दो बार ना जुड़ गया। तो आपको तो एक ही बार जोड़ना है, इसलिए एक को माइनस कर दोगे तो एक बच जाएगा, है कि नहीं। तो आप समझो A1 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया नंबर ऑफ सुपर की पॉसिबल विद कैंडिडेट की A1। अच्छा एक एट्रीब्यूट के कारण कितना कैंडिडेट की बनेगा ये तो आपको पता पड़ चुका है, 2^n-1 यू नो वेरी वेल। तो आप इसके बदले में क्या लिख दोगे, 2^n-1 प्लस A2 के कारण कितने सुपर की जनरेट होंगे। देखो आपका कैंडिडेट की क्या है A1 है तो A1 के कारण भी सुपर की बनेगा, A1 में सारे एट्रीब्यूट को एक एक करके जोड़ते जाओगे तो वो सुपर की बन जाएगा, सुपर सेट वाला केस है। अच्छा A2 के कारण भी सुपर की बनेगा कि भाई A2 जो है आपका उसमें सारे एट्रीब्यूट को एक एक करके जोड़ते जाओगे तो A2 के कारण सुपर की बनेगा, लेकिन A1 में भी एक ही एट्रीब्यूट है, A2 में भी एक ही एट्रीब्यूट है। तो आपको अच्छी तरह पता है कि एक एट्रीब्यूट के कारण जो नंबर ऑफ सुपर की बनता है वो क्या बनता है, 2^n-1 प्लस 2^n-1 अगेन। A1 के कारण एक 2^n-1 हुआ और A2 के कारण अगेन 2^n-1 हुआ, ठीक है। माइनस कॉमन सुपर की फ्रॉम बोथ A1 A2। अभी अभी आप पढ़े थे कि अगर दो एट्रीब्यूट एक ही की में है तो उसके लिए कितना सुपर की बनता है, तो 2^n-2 है ना। A B से मिलकर के जो एट्रीब्यूट कैंडिडेट की बन रहा है वो एक ही बन रहा है ना, लेकिन उसमें एट्रीब्यूट क्या है दो है, तो उसके कारण जो नंबर ऑफ सुपर की बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2^n-2। तो नाउ दिस इज योर फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेम्बर। और इस पर डायरेक्ट सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है बट ऑब्जेक्टिव में ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो एवरी वन शुड बी रिमेम्बर दिस फॉर्मूला।
समझ रहे हैं आपको हम क्या बता रहे हैं? मैं बता रही हूँ कि आपके पास अगर कैंडिडेट की गिवन है किसी भी रिलेशन में यानी टेबल में, तो नाउ यू कैन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर की जनरेटेड बाय दिस कैंडिडेट की है कि नहीं। तो वो एक एक करके सारे एग्जाम्पल को प्लीज आप लिख लेना कॉपी पर और उसके बाद उसको समझना, ठीक है ना? तो क्लियर हो जाए, हो रहा है आपको? अगर कोई सवाल है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो, और अगर समझ में आ रहा है तो इट्स फाइन। अब देखो पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। पांचवा एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि लेट रिलेशन आर हैव एट्रीब्यूट्स A1, A2, An, ठीक है, N एट्रीब्यूट्स है, लेकिन इस बार कैंडिडेट की क्या है, मजेदार, A1 एक कैंडिडेट की है जिसमें एक एट्रीब्यूट है, दूसरा कैंडिडेट की है जिसमें दो एट्रीब्यूट है। तो अब आप बताओ कि कितने सुपर की बनेगा। तो अब आपको अंदाजा हो चुका, आप कहोगे मैम A1 के कारण जितने सुपर की बनेंगे उसको पहले लिख दीजिए, उसमें फिर A2 A3 के कारण जितने सुपर की बनेंगे उसको जोड़ दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिएगा, इन तीनों के कारण जो सुपर की बनेगा उसको माइनस कर देंगे एक, है ना? तो हमारा टोटल नंबर ऑफ सुपर की बन जाएगा। तो देखो एक के कारण, एक एट्रीब्यूट के कारण आपका कितना सुपर की बनता है, तो आप कहोगे मैम 2^(n-1)। टू एट्रीब्यूट के कारण कितना सुपर की बनेगा, तो कहोगे 2^(n-2)। इंडिविजुअली पहले ले रहे हैं हम लोग, और उसमें माइनस क्या कर देंगे, इन तीनों के कारण, तो आप क्या लिखोगे 2^(n-3)। तो नाउ इट इज वेरी क्लियर ना टू एवरीवन? ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अगर ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 पर मूव करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 आपका क्या कहता है कि अगर आपका जो है, एग्जाम्पल नंबर 6 में आ जाइए, मैं पहले पढ़ देती हूँ। तो इसमें आपका क्या लिखा है कि लेट रिलेशन आर हैविंग एट्रीब्यूट्स A1, A2, An, ठीक है, n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स है रिलेशन में, और कैंडिडेट की क्या दिया हुआ है, A1, A2, एक कैंडिडेट की है जिसमें दो एट्रीब्यूट है, दूसरा कैंडिडेट की है उसमें भी दो एट्रीब्यूट है, A3, A4। तो पूछता है देन द पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की क्या होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से समझिए, कुछ नहीं समझना है, नो प्रॉब्लम। अगेन A1, A2 के कारण कितना कैंडिडेट की बनेगा, पहले वो निकाल लीजिए 2^(n-2), खत्म। प्लस A3, A4 के कारण कितना बनेगा, दो एट्रीब्यूट है तो आप लिखोगे 2^(n-2), माइनस इन चारों के कारण कितना एट्रीब्यूट बनेगा, कितना सुपर की बनेगा। हो शिट, यहाँ देर इज मिस्टेक, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, कि भाई जो भी चारों को जब आप सबको ऐड करते हो तो उसको माइनस करना पड़ता है वन टाइम। क्यों, सेट थ्योरी से मैंने आपको डायग्राम से समझाया ना भाई, कि A1 A2 के लिए एक सर्किल बनाओगे, A3 A4 के लिए एक सर्किल बनाओगे, तो कुछ ऐसा कॉमन एरिया आएगा जो A1 A2 A3 A4 सब उसमें रहेगा, तो वो दो टू टाइम्स उसमें ऐड हो रहा है, तो पूरे सम करने के लिए वन टाइम्स को निकालना पड़ता है कि नहीं। तो दैट इज वाई -2^(n-4), क्लियर है ना? तो एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर दो एट्रीब्यूट ऐसे दिए हुए हो, कैंडिडेट की दिए हुए हैं, एक कैंडिडेट की ये हो गया 2 एट्रीब्यूट का, दूसरा ये हो गया, तो नंबर ऑफ सुपर की देखो कितना आसानी से आपने निकाल लिया, इट इज वेरी सिंपल ना। तो चलो आप नेक्स्ट एग्जांपल देखो फटाफट, कोई लफड़ा नहीं इसमें, प्यार से समझते जाओ, थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, और पढ़ाई को मजे से लो और पढ़ो। देखो मेहनत तो करना पड़ेगा, सोचोगे कि हमको मेहनत नहीं करना है, मेहनत का मतलब क्या है, थोड़ा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते रहो, उसको रिकॉल करते रहो, उसको बार बार रिवाइज करते रहो, उसको थोड़ा लिखते रहो, यही तो काम होता है स्टूडेंट का, तो वो करना पड़ेगा आप लोग को। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या कर रहा है, देखो आर जो है वो रिलेशन है, और अगर इसमें एन नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं तो आप बता, और इसमें कैंडिडेट की क्या है, देखो इसमें कैंडिडेट की कुछ अलग है, A1 A2 एक कैंडिडेट की है, और दूसरा क्या है, A1 A3 कैंडिडेट की है, तो इसमें क्या खास आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि इसमें दो कॉमन कैंडिडेट की है, देखो A1 इसमें भी है, A1 इसमें भी है, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले तो आप हमेशा की तरह क्या करोगे, A1 A2 के कारण नंबर ऑफ सुपर की निकालोगे, तो A1 A2 के कारण नंबर ऑफ सुपर की क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे मैम चूंकि इसमें दो एट्रीब्यूट है इसीलिए इसके कारण जो नंबर ऑफ सुपर की होगा वो होगा 2^(n-2), और इसमें भी क्या है दो एट्रीब्यूट, तो इसके कारण जो नंबर ऑफ सुपर की होगा वो भी होगा आपका 2^(n-2) माइनस, यहाँ आप चार नहीं करोगे, 2^(n-4) पहले की तरह नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि इसमें A1 यहाँ भी है और A1 यहाँ भी है, तो यहाँ पर आप सिर्फ कितने एट्रीब्यूट काउंट होंगे, सिर्फ 3 एट्रीब्यूट काउंट होंगे, इसीलिए आप यहाँ क्या लिखोगे 2^(n-3)
थ्री, तो ये टोटल नंबर ऑफ सुपर की आपका कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फटाफट लास्ट एग्जांपल देखिए। आप लोगों ने सपोर्ट किया है इसको लेक्चर तैयार करने में, मुझे बहुत सारे बच्चों का सपोर्ट मिलता है बैक साइड से, आई एम रियली थैंकफुल टू दोज स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर आपका ये मुझे इसलिए याद आया कि बहुत शानदार इसमें डायग्राम भी बच्चों ने बनाया है। ये है आपका रिलेशन आर, ठीक है। ये रिलेशन आर में क्या है, ए वन ए टू ए थ्री इतने एट्रीब्यूट आपके हैं, जिसमें कैंडिडेट की कितने दिए हुए हैं, ए वन ए टू ए थ्री, देन पॉसिबल नंबर ऑफ सुपर की बताइए। ओके देखिए बिल्कुल शुरू वाला ही सवाल है। इसमें क्या है, अब की बार क्या है, अभी तक आप दो कैंडिडेट की देख रहे थे ए वन ए टू, अब की बार क्या है ए वन ए टू ए थ्री तीन कैंडिडेट की है, तो इसके कारण सुपर की कितना बनेगा। तो आप कहोगे मैम उसी की तरह हमको बनाना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही बात है, उसी की तरह हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो उसी की तरह क्या बनाए हैं इसको देखिए आप लोग। यहाँ पर ये एक सर्किल आपने हमेशा की तरह ए वन के लिए बना लिया, दिस सर्किल इज फॉर ए टू एंड दिस सर्किल इज फॉर ए थ्री, मान लो एज्यूम कर लो। अब देखो यहाँ पर जो डार्क एरिया ब्लैक आपको दिख रहा है, इसमें कितने का एट्रीब्यूट, अच्छा ये जो रेड एरिया है, इस रेड एरिया में कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट के कारण आपका कैंडिडेट की बन रहा है। तो आप कहोगे मैम इसमें तो सिर्फ ए वन है, तो इसीलिए इस रेड एरिया में जो आपका इस रेड एरिया में जो सुपर की आपका जनरेट होगा वो ड्यू टू वन एट्रीब्यूट जनरेट होगा, इसीलिए आप यहाँ क्या लिखोगे टू टू दी पावर एन माइनस वन, क्लियर, क्योंकि वन एट्रीब्यूट के कारण है। सिमिलरली इस ब्लू एरिया में आप देखिए, ठीक है, तो ये ब्लू एरिया में भी आपका कितना है ए टू, एक ही एट्रीब्यूट है ना, तो एक ही एट्रीब्यूट के कारण ये सुपर की को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सुपर की को, तो आप यहाँ पर भी जो आपका इसके कारण जो एट्रीब्यूट जनरेट होगा सुपर की जनरेट होगा वो कितना होगा टू टू द पावर एन माइनस वन होगा। सिमिलरली यहाँ तीन एट्रीब्यूट आपका है कैंडिडेट की, ए वन का तो काम हो गया, ए टू का काम हो गया, अब बचा क्या ए थ्री, तो देखिए ए थ्री के लिए जो आपका नंबर ऑफ सुपर की होगा वो कितना होगा टू टू द पावर एन माइनस वन होगा। समझ रहे ना आप मेरी बात? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है मैम, अभी तो आपने शुरू सबसे पहला एग्जांपल तो यही लिया था मैंने कि भाई जो आपका एक कैंडिडेट की के कारण जो होता है एक ही एट्रीब्यूट के कारण अगर एक ही कैंडिडेट की हो तो उसके ऊपर कितना होता है टू टू द पावर एन माइनस वन, और अगर कैंडिडेट की में एक ही कैंडिडेट की में दो एट्रीब्यूट होते हैं तो आपका जो सुपर की का संख्या होता है वो टू टू द पावर एन माइनस टू होता है। तो आप जानते हैं, अब यहाँ देखिए ये जो ब्लैक कलर आपने डाला है, ये ब्लैक कलर वाला जो एरिया है इसमें आपका कितना एट्रीब्यूट कॉमन है, तो आप कहोगे मैम इसमें एट्रीब्यूट जो कॉमन है वो टू है, एक तो ये रेड एरिया वाला और दूसरा ये ब्लैक एरिया ब्लू एरिया वाला, यानी ए वन और ए टू, इसमें दो एट्रीब्यूट ए वन ए टू आपके कॉमन है, तो इसके कारण जो नंबर ऑफ सुपर की बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कहोगे टू टू द पावर एन माइनस टू बनेगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट टू है कॉमन, ठीक है, लेकिन कैंडिडेट की, समझ रहे ना, तो यहाँ पर दो दो एट्रीब्यूट आपका कॉमन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है आपका एक ही कैंडिडेट की में अगर दो एट्रीब्यूट हो रहा है तो आप टू टू द पावर एन माइनस टू लिखिएगा। सिमिलरली ये जो आपका एरिया है पिंक कलर है ना, इसको पिंक ही बोलिएगा शायद आप लोग, तो इसमें भी देखिए दो एट्रीब्यूट है, वन इज ए वन अनदर वन इज ए थ्री, तो इसको आप क्या लिखेंगे आप लोग टू टू द पावर एन माइनस टू। सिमिलरली यहाँ पर जो इसको क्या बोलिएगा आप लोग, इस डार्क कलर को जो भी बोलिए, तो इसको जो है आपका कलर का जो पकड़ है वो कितना पुअर है, इसको वायलेट क्या बोलेंगे, अच्छा खैर जो भी बोलिए, तो ये टू टू द पावर क्या हो जाएगा, इसमें भी दो एट्रीब्यूट है, वन इज ए थ्री फ्रॉम ए थ्री अनदर फ्रॉम ए टू, तो ए टू और ए थ्री का ये कॉमन पार्ट है ना, तो ए टू ए थ्री के कारण जो कैंडिडेट की आपको बनेगा वो क्या हो जाएगा टू टू द पावर एन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक यहाँ देखिए प्यारा सा पिंक कलर जो बैठा हुआ है, यहाँ पर कौन कौन एट्रीब्यूट है, तो आप कहेंगे मैम इसमें तो ए वन भी है, इसमें तो ए टू वाला भी सर्किल है, इसमें तो ए थ्री वाला भी सर्किल है, यानी ये जो पिंक ये जो येलो कलर है इसके अंदर तीनों का तीनों एट्रीब्यूट इन्वॉल्व है, वेदर ए वन ए टू और ए थ्री, ये तीनों इन्वॉल्व है, तो ये तीनों इन्वॉल्व होने के कारण जो नंबर ऑफ सुपर की बनेगा तो आप कहोगे टू टू द पावर एन माइनस थ्री, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट की में अगर तीन एट्रीब्यूट मेरे ऐड हो तो आप कहोगे टू टू द पावर एन माइनस थ्री। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज भी किए होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि मैम कैंडिडेट की तो अलग अलग दिया हुआ है ए वन ए टू ए थ्री,
तो फिर ये मैम तीनों को कैसे मिला दे रही हैं? तो डोंट फॉरगेट माय डियर कि आप जो है उसको ऐसे मिलाओगे कि सुपर की का तो मतलब ये होता है सब की को मिला के एक की बना रहे हो आप, है ना? तो मिनिमम की A1 भी अकेले काफी है, A2 भी अकेले काफी है कैंडिडेट की, A3, लेकिन जब सुपर की बनाओगे तो क्या करोगे, A1 A2 A3 सबको मिला दोगे, है ना? तो ये वो एरिया है जहाँ तीनों का तीनों एट्रीब्यूट क्या हुआ है आपका, मिला है। तो जब तीन एट्रीब्यूट आपके मिल जाएंगे तो उस कॉमन एरिया को अपन क्या बोलेंगे, वो कॉमन एरिया आपका तीन एट्रीब्यूट के कारण बना है ना, जबकि कैंडिडेट की क्या है, एक है। तो सिंगल कैंडिडेट की में अगर तीन एट्रीब्यूट आपके आते हैं तो फिर फॉर्मूला वही लगा दीजिए, प्यार से 2^n-3। अब सेट थ्योरी का फॉर्मूला प्लीज लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, अब आप समझ चुके हैं मैं क्या कर रही हूँ, है ना? यहाँ पर देखिए डायग्राम को देखते हुए समझना बेहतर होगा। तो देखिए ये पहले क्या लिखिए आप लोग, ये A1 का नंबर ऑफ हो गया आपका कैंडिडेट की, ये किसका हो गया, A2 का नंबर ऑफ कैंडिडेट की हो गया, A2 के कारण पूरा, इसमें क्या हो गया, A3 के कारण पूरा, पूरा पहले ऐड कर लीजिए। अब ये जो ब्लैक एरिया है A1 A2 का कॉमन, ये इसके कारण भी ऐड हुआ है, किसके कारण भी ऐड हुआ, तो एक एरिया को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ देखिए आप एक एरिया को माइनस कर दिए, A1 A2 माइनस हो गया इंटरसेक्शन जो दोनों का कॉमन है। उसी प्रकार से A1 A3 को, इस पिंक एरिया भी तो दो बार आया ना, इसमें भी इसमें, तो एक बार माइनस कीजिए, A1 A3 माइनस कर दिया आप, इसको भी आप एक बार माइनस कर दीजिए, तो सब एरिया एक एक बार आपका माइनस हो गया, और उसमें प्लस क्या कर दीजिए इस कॉमन एरिया को, तो आपका जो निकल के आ गया, ये जो निकल के आपका आ गया तो वो क्या हो गया, यहाँ प्लस कीजिए ना, तो ये निकल के आपका क्या आ गया, ये टोटल नंबर ऑफ सुपर की आपका सामने निकल के आ गया। तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई भी सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, समझ गए? तो ये मैं आपको पूरा ऊपर से एक बार स्क्रॉल कर देती हूँ थोड़ा होल्ड करके, सो दैट कि आप इसको नोट भी कर सके, ठीक है? ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ मैं रुकी, फिर यहाँ स्क्रॉल किया, फिर स्क्रॉल किया, फिर किया, फिर किया, ठीक है? Example 3, Example 4 आपको विजिबल है, 4 के बाद आपका एग्जाम्पल शुरू हो गया, 5, टोटल 7 और 8, आपको मैंने टोटल 8 सिनेरियो आपको दिखाया नंबर ऑफ सुपर की को फाइंड करने के लिए, ठीक है? तो अब आप लोगों का काम क्या होगा कि इसको थोड़ा प्यार से कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और समय समय पर इसको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है? अगर कोई दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा आप लोग, हम उसको रेस्पॉन्ड जरूर करेंगे, ठीक है ना? कहीं भी कोई उलझन होगा कॉन्सेप्ट में, कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करिएगा, फॉलो शेयर भी कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए हमको, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो, और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत जरूरी है, आपका लाइक कमेंट मेरा एप्रिसिएशन है, इसलिए इसको करना नहीं भूलिएगा, प्लीज डू इट अगेन, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको देखिए, हम बहुत जल्दी फिर आपको नए लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है? तब तक आप अपना ख्याल रखिए, इसको पढ़िए ध्यान से और भी काम करते रहिए, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय।